बदायूं के बसिंदों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें ब्लड के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। डॉक्टर मुकेश जौहरी ने जिले में ब्लड बैंक कंपोनेंट सेंटर देकर जिले की आवाम के लिए बड़ा काम किया है। बदायूं में आज शहर स्थित जौहरी नर्सिंग होम में जौहरी नर्सिंग होम ब्लड सेंटर का शुभारंभ हुआ, जो कि जनपद बदायूं का पहला ब्लड कंपोनेंट सेंटर है, जिसमें संपूर्ण ब्लड व पीआरबीसी व प्लाज्मा प्लेटलेट्स मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि जनपद की बहुप्रतीक्षित एवं अति आवश्यक निजी ब्लड बैंक की मांग आज पूरी हुई, तो वहीं अभी तक बदायूं वासी जिला अस्पताल एवं बदायूं मेडिकल कॉलेज में ही ये सुविधा पा रहे थे, पर अब निजी क्षेत्र में भी यहाँ के बसिंदे पहली ब्लड बैंक सेंटर की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दें कि ये ब्लड बैंक सेंटर डॉक्टर मुकेश जौहरी के स्वर्गवासी पुत्र मृणाल जौहरी की याद में खोला गया है, जिसकी आज 22 मार्च को शुरुआत कर दी गई है। तो वहीं जनपद बदायूं में इसी क्रम में सरकारी ब्लड बैंक में ब्लड के कंपोनेंट को अलग करने की सुविधा नहीं थी, एवं इस वजह से ये बहुत उपयोगी होने जा रही है। जैसे केवल प्लेटलेट्स या केवल पैक्ड सेल्स फैक्टर्स एवं अन्य घटक को लेने अब बदायूं के लोगों को बरेली नहीं जाना पड़ेगा, एवं इमरजेंसी में ये जौहरी नर्सिंग होम ब्लड सेंटर निजी ब्लड बैंक के रूप में बदायूं वासियों को भविष्य में वर्धमान साबित होगा। इस मौके पर बदायूं जनपद के प्रतिष्ठित गणमान्यों द्वारा ब्लड सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया, तो वहीं इस मौके पर वहां मौजूद लोगों ने डॉक्टर मुकेश जौहरी को माला पहनाकर बदायूं की जनता को ये निजी ब्लड बैंक की सौगात देने के लिए अभिवादन किया। साथ ही उनकी पुत्री डॉक्टर मृंदा जौहरी को भी लोगों ने फूल माला भेंट कर अभिवादन किया। कार्यक्रम का संचालन रविंद्र मोहन सक्सेना द्वारा किया गया। डॉक्टर ए के वर्मा समेत लगभग 50 लोगों ने रक्तदान किया, तो वहीं कार्यक्रम में ब्लड बैंक के डायरेक्टर अभिनव सिंह ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर अक्षत अशेष ज्योति मेहदीरत्ता धीरज सक्सेना ओमकार सिंह यादव दीप माला गोयल जेके सक्सेना महेश सक्सेना डॉक्टर रविंद्र सिंह लवि वर्मा आदि मौजूद रहे। देखें खास रिपोर्ट। क्या है ये ब्लड बैंक यूनिट है जिसमें कंपोनेंट्स हम सप्लाई करेंगे, जिसमें कि हम प्लेटलेट प्लाज्मा और पीआरबीसी और लिक्विड पीआरबीसी को हम देंगे। किस किस तरीके की मतलब यहाँ पर सुविधाएं लोगों को मिलेंगी, क्योंकि इससे पहले तो यहाँ ब्लड बैंक की सुविधा तो नहीं जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज। देखिए जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जो है होल ब्लड सप्लाई करता था, जबकि डेंगू के सीजन में प्लेटलेट की बहुत बड़ी ज़रूरत यहाँ पर रहती है। एक्सीडेंटल केस में प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है, तो हम प्लाज्मा और प्लेटलेट और पेक्सल तीनों चीज़ों की सप्लाई देंगे यहाँ से। ठीक है।